हेलो भाई, नमस्ते दोस्तों। मैं आपका दोस्त जय किशोर शर्मा लेके आया हूँ बहुत ही गजब का एक ब्लूटूथ विथ एम्पलीफायर मिक्सचर, जिससे आप दो एम्पलीफायर, अदर एम्पलीफायर भी बजा सकते हैं। अगर अदर एम्पलीफायर आपके पास नहीं है तो आप इसके ऊपर भी डायरेक्ट सॉन्ग सुन सकते हैं। इसके अंदर हमने एक स्पीकर भी एंड किया है, जो आप इसको आराम से इसमें मस्त सॉन्ग सुन सकते हैं। यहाँ पर हम 4 इंची का एक स्पीकर, सब ऊपर स्पीकर देंगे, और चाहे तो आप इसके बाजू में एक ट्यूटर भी लगा सकते हैं जो झनकार के लिए काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि इस वीडियो में आपको क्या क्या चाहिए इसके साथ में आपको इसको रेडी करने के लिए। उतना ही आगे देखेंगे, हर एक वीडियो में आपको छोटा छोटा बना बना के दूंगा। इस वीडियो में ही पूरा बताया तो पूरा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ऑलरेडी मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। तो आइए दोस्तों, इसमें क्या क्या लगेगा इसके बारे में बता देते हैं, और इसको हम पूरा कंप्लीट करके टेस्ट साउंड करेंगे और दिखाएंगे आपको दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें चाहिए एक 4 इंची का इस तरह का सब वूफर स्पीकर और 4 ओम का, और इसके साथ में चाहिए एक कैपेसिटर 35 वोल्ट 3300 माइक्रोफेरेट का। आप 4700 माइक्रोफेरेट भी लगा सकते हैं और अच्छा रहेगा। और एक चाहिए इस तरह से मॉडल जो बेस ट्रेवल के लिए हम रेडी कर रखा है इसको। और चाहिए आपको इस तरह का 20-30 IC का एक छोटा सा बोर्ड, जिसके वीडियो हमने पहले भी बना रखा है। अच्छा है तो आप उसको अभी जाके देख सकते हैं इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में। ठीक है दोस्तों, और ये किस तरह का चाहिए आपको ब्लूटूथ सर्किट, जो आपको विदाउट हेड बॉडी का है, इसमें कोई बॉडी लगा नहीं है। आप चाहे तो इसके जगह पर आप इस तरह का भी लगा सकते हैं, और अवेलेबल था फिर भी हमने इसे नहीं लगाया, क्योंकि इसका लुक तो ज़्यादा आएगा है। उसका वीडियो में नहीं डाला, मैं इसको ले आऊँ, क्योंकि किसी दोस्त के पास अगर इस तरह का रहेगा तो उसको कैसे फिट करेंगे वो इसको देखने के बाद में जान सके, इसलिए मैंने इसे लगाया। ये चाहिए एक DC सॉकेट जो हमने अडाप्टर से कनेक्ट करना है, 12 वोल्ट अडाप्टर से इसे रन करने वाले हैं दोस्तों। और ये एक इस तरह का चाहिए ब्रोकर स्विच, जो एक एम्पलीफायर को ऑन ऑफ करने के लिए, एक ब्लूटूथ सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए। और दूसरा रहेगा दोस्तों ये RC सॉकेट, जो हमारा दूसरा दो एम्पलीफायर को बजाने के लिए चाहिए था, जो आउटपुट इससे मिलेगा हमको। और इस तरह का एक चाहिए 7805 का वोल्टेज रेगुलेटर, ऐसे जो हम इस ब्लूटूथ को ऑन करेंगे, इससे सप्लाई देंगे इसको। इसका चाहिए एक हीट सिंक, जो हमारा मेटल का बॉडी नहीं है इसलिए हीट सिंक हमें बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसमें ऐसा हम कस लेंगे। ठीक है, और एक इस तरह का चाहिए आउटपुट के लिए ब्लूटूथ सर्किट से ऑडियो वायर। और एक इस तरह का चाहिए हमको दोस्तों एक पावर सप्लाई देने के लिए 5 वोल्ट, जो ब्लूटूथ सर्किट को देंगे। और एक इस तरह का चाहिए हमें एक नॉब, जो हमें वॉल्यूम के लिए काम करेगा। आप चाहे दूसरा भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह का चाहिए एक हमको पत्ती, जो सप्लाई देंगे उसमें कसने के लिए। और इस तरह का चाहिए हमें कुछ नट वो पैच। तो दोस्तों, इसका वायरिंग हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, जितना चीज़ आपको चाहिए। तो ये दोस्तों, आप पहले इसका पूरा फुल वायरिंग कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं किस तरह से काम करता है, इसका साउंड कैसा है। बहुत ही मस्त साउंड आने वाला है दोस्तों। ठीक है, ये पे वायरिंग पूरा क्लियर करते हैं। तो दोस्तों, हमने इसका वीडियो का टाइम बचाने के लिए पूरा वायरिंग कंप्लीट कर लिया है। आपको अगले वीडियो में मैंने बताया कि एक एक चीज़ को मैं बताऊंगा कैसे वायरिंग किया है। अगर आपको चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। इसको पहले हम कर लेते हैं बंद, और इसको मैं किस चीज़ से चिपकाया है वो आपको मैं दिखाया नहीं हूँ, अभी दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये फेविकल नाम से है, फेविकल प्रोबॉन्ड ED फिक्सिंग, जो बहुत ही मस्त काम करता है। एक बार सट गया तो इसको दोबारा लाइफ में कभी नहीं निकलने वाला है दोस्तों, इसलिए इसको आप पूरा बड़ी में मत लगाइएगा। जो आप ऊपर का बड़ी लगाते हैं तो सिर्फ इसमें मत लगाइए पूरा, ठीक है, इसको सिर्फ बीच में लगाइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसे फटाफट हम कर लेते हैं इसको फिक्स, उसके बाद आगे देखते हैं, इसका साउंड टेस्ट करेंगे। तो ये हो चुका है दोस्तों लगभग कंप्लीट मेरा बॉक्स। अब चाहे तो इसको साइड साइड से इस तरह से लगा सकते हैं बाहर से, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, फिर भी खुल जाएगा। अंदर से आप पूरा मत दीजिए, नहीं तो ये नहीं खुलेगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसको चलाने के लिए हमें लिया है एक 12 वोल्ट का अडाप्टर, 12.0 का अडाप्टर है दोस्तों इसको। आप चाहे तो इसको ठीक तरह से देख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये 20-30 IC 12.0 12 पे रन करता है, पर इसको अडाप्टर से कैसे 12.0 से रन करेंगे। तो इसके लिए हमने अंदर में सप्लाई बना रखा है, दूसरे वीडियो में आपको दिखाएंगे कि 12.0 12 हमने कैसे बनाया अडाप्टर से। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको पहले हम देते हैं सप्लाई, और इसको देखते हैं ऑन करके किस तरह से इसका साउंड है। तो हमने ये करेंट में भी लगा रहा हूँ, देखिए 1 मिनट, इसको मैंने भी लगा दिया है। और आप यहाँ से ब्लूटूथ ऑन करने के लिए आगे से एक स्विच दिया हूँ, यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। देखिए इसमें करंट आ चुका है दोस्तों,
और ये हमारा वॉल्यूम है जिसके अंदर भी करंट आपको दिख रहा है, इसमें भी लाइट लगा हुआ है। और इसको पीछे से एम्पलीफायर, इसका एम्पलीफायर बजाना है तो इसको पीछे से ऑन करना पड़ेगा। और ये RCC सॉकेट से आपको आउटपुट लेते हैं, उस समय में इसको ऑफ रखिए, इसको मत बजाइए, चाहे तो बजा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए देखते हैं इसका साउंड, करते हैं टेस्टिंग। दोस्तों हम एक कॉपीराइट सॉन्ग चला रहे हैं, इसमें आपको दोस्तों एक कॉपीराइट सॉन्ग है, इसलिए हम इसको पूरा ज़्यादा देर तक नहीं बजाएंगे, सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों आप इसको, इस नॉब को देख रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो आप इस जगह पे आप चाहे तो इस तरह का भी रेड कलर का ही लगा सकते हैं, वो कलर मैच हो जाएगा तो अच्छा दिखेगा आपको लुक के लिए। चाहे तो आप इस तरह का, इस कलर का हरा कलर का भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर है आप कैसा लगाएंगे, वो आप लुक कैसा देना चाहते हैं अपने एम्पलीफायर को, आपके ऊपर। मैं अर्जेंट अर्जेंट में बनाया हूँ, इसका बॉक्स का फिनिशिंग उतना अच्छा नहीं आया है। फिर तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कर दे प्लीज़, और चाहे तो आप एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम दूसरा वीडियो डालेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।